फतेहपुर में बिखरी भाजपा फिर से एकजुट होने लगी है, जिसके चलते शुक्रवार को फतेहपुर के पुराने मंडल के पदाधिकारी व सदस्य पार्टी से निलंबित चल रहे पूर्व बीस प्रत्याशी आजाद बलदेव ठाकुर के नेतृत्व में दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ धर्मशाला के लिए रवाना हुए, जहां वो सब कांगड़ा चंबा प्रत्याशी भाजपा किशन कपूर के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। धर्मशाला रवाना होने से पूर्व सुखनियाड़ा में उपस्थित पुराने मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों सहित अन्य वरिष्ठ भाजपाइयों को संबोधित करते हुए पूर्व बीस प्रत्याशी बलदेव ठाकुर ने कहा कि 14 महीने के वनवास के बाद उनकी वापसी पार्टी में होने जा रही है, जिसके लिए वो शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं। और फतेहपुर मंडल दे सारे पुराने मंडल दे पदाधिकारी बुजुर्ग नौजवान साथी माता बहनों, आज हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि जिस पार्टी में हम पिछले 30 वर्षों से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे लंबे समय से, लेकिन आज से 14 महीने पहले इस फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक ऐसा घटना घटी। उस घटना के बाद हम सब कार्यकर्ताओं ने एक अपना फैसला लिया और चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा और एक मर्यादा में रहकर सभी कार्यकर्ताओं ने ना तो अपनी पार्टी के विरुद्ध और ना ही अपने किसी प्रमुख सीनियर नेता के विरुद्ध कोई ऐसी टिप्पणी की, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। हम वर्षों पार्टी से जुड़े रहे, पार्टी की विचारधारा के कार्यकर्ता हैं हम सब, और उसके बाद लगातार पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ हमारा संवाद चल रहा था। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी सीनियर नेता आदरणीय श्री शांता कुमार जी, प्रेम कुमार धूमल जी, प्रदेश के अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी, जेपी नड्डा जी, पवन राणा जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और पूरे प्रदेश के संगठन का धन्यवाद करता हूं कि वो सब इस प्रयास में थे कि बलदेव ठाकुर की फिर से पार्टी में वापसी करके वो एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है और फिर से अपनी भूमिका में वो फतेहपुर में पार्टी को मजबूत करे। उन सब के आशीर्वाद से पार्टी हम सब कार्यकर्ताओं को आज धर्मशाला में पूरे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होगा, वहाँ पर आदरणीय शांता जी होंगे, धूमल जी होंगे, प्रदेश के अध्यक्ष जी होंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और जिला कांगड़ा चंबा लोकसभा के सभी विधायक मंत्री और सभी कार्यकर्ताओं के सामने आप सबको पार्टी फिर से अपने परिवार के साथ मिलाकर पार्टी का काम करने के लिए शोर शोर से पार्टी के पक्ष में नारेबाजी हो और उन्हें पता चल जाए कि फतेहपुर से कितने कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे हैं तो एक अच्छा वातावरण बने। पार्टी को तो फतेहपुर के कार्यकर्ताओं ने पहले भी एहसास करवा दिया कि फतेहपुर में कार्यकर्ता। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए फतेहपुर से सुरेंद्र मिन्हास की रिपोर्ट।